हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गूगल से कैसे आप पैसे कमा सकते हैं, वो भी रिसर्च स्टडीज़ करके। ये बहुत ही इजी जॉब है, बट यहाँ पर कंपटीशन बहुत है। अगर आपको लगता है कि गूगल पर काम करना इजी है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ गूगल पे कैसे काम किया जाता है और कैसे आप काम कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, जो भी गूगल के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और फीडबैक दे सकते हैं। आपको गिफ्ट कार्ड रेवेन्यू मिलेगा और आपको रिसर्च सेशन ज्वाइन करना है और उसके बाद आपको थैंक्स नोट मिलेगा गूगल की तरफ से। और ये जो डेटा है, ये गूगल अपने फ्यूचर के लिए सेव करके रखता है, ताकि गूगल का जो क्रेडिबिलिटी है वो बनी रहे। इस पर आपको साइन अप पर क्लिक करना है और बेसिक डिटेल्स फिल करनी है, नेम, जेंडर एंड डेट ऑफ बर्थ। देन ये नेक्स्ट कर देंगे आप। उसके बाद आपको यहाँ पर ये बताना है कि आप क्या करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने फ्रीलांसर सेलेक्ट किया है। आप जो भी हैं, एम्प्लॉयड या फिर वर्क पार्ट टाइम, वो सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, जो भी आपका जॉब रोल है वो आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको ये जज करना है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो वो ऑथेंटिक है, ताकि आपको बहुत से ज़्यादा प्रोजेक्ट मिल पाएँ। गूगल एक ब्रांड है, यहाँ पर बहुत से लोग अप्लाई करते हैं। अगर आप सही इन्फॉर्मेशन नहीं भरेंगे तो हो सकता है आपको जॉब्स ना मिलें। यहाँ पर जो एक्सपीरियंस सर्वेज हैं या फिर रिसर्च स्टडीज़ हैं वो आपको नहीं मिलेंगी। इसमें कंपनी नेम डालेंगे आप और जो भी ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ है वो डाल सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको कोई इसमें डिसेबिलिटी है तो आप डालेंगे। नन ऑफ दीज मैंने सेलेक्ट किया था, क्योंकि ऐसा कुछ भी मेरे साथ एप्लीकेबल नहीं है। नाउ इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो ऑथेंटिक है, अप टू डेट है, अप टू मार्क है और ट्रू है एज़ पर योर डॉक्यूमेंट। क्योंकि जब तक आप सही इन्फॉर्मेशन गूगल को नहीं देंगे, तो गूगल भी आपको सेलेक्ट नहीं करेगा रिवॉर्ड करने के लिए। गूगल एक जाना माना प्लेटफॉर्म है। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कंप्लीट देखिए, ताकि आपको स्टेप समझ में आए कि मैंने क्या क्या सेलेक्ट किया है। नेक्स्ट आता है गूगल से रिलेटेड। यहाँ पर प्रोडक्ट्स जो भी आप यूज़ करते हो, जैसे मैं जीमेल करता हूँ, गूगल मीट, गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स भी यूज़ कर लेता हूँ अपनी जॉब में, और इसके अलावा मोबाइल, ये सब भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कैलेंडर भी मैंने यूज़ किया है गूगल का, गूगल फॉर्म्स भी बनाए हैं, गूगल ड्राइव भी यूज़ करता हूँ, ये सब आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जितने ज़्यादा आप यहाँ इनपुट्स देंगे उतना अच्छा रहेगा, आपको चांसेस रहेंगे कि रिसर्च स्टडीज़ मिल जाए, वो आपको मेल पे कंफर्म हो जाएंगी। नेक्स्ट, यहाँ पर और कौन से जॉब्स आप यूज़ करते हैं, लिंक्डइन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जूम, जूम मीटिंग, फेसबुक फॉर वर्क, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, ये सभी चीज़ें आप सेलेक्ट करेंगे। देन नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है आपकी जो एजुकेशन है वो क्या है, आप यहां सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने हाई स्कूल किया है, ग्रेजुएट हाई स्कूल है या जो कुछ भी है, तो यहां पर मैंने सेलेक्ट किया। नाउ आपकी जो ब्रांच है वो क्या है, मैं इंजीनियर हूं तो मैंने इंजीनियरिंग सेलेक्ट की। नेक्स्ट, इसके बाद कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हो, तो आप यहां सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने किया है इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट, फेसबुक, यूट्यूब, एंड यहाँ पर देखिए पब्लिश भी करता हूँ मैं कंटेंट इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, यूट्यूब शॉर्ट्स भी। तो आप अगर नहीं करते तो कोई इशू नहीं है, आप अनचेक कर सकते हैं, नन ऑफ द अबव। नाउ नेक्स्ट आता है कौन सा गूगल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आप रेगुलरली यूज़ करते हैं। तो रेगुलरली में आप क्रोम डाल सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये फेवरेट ब्राउज़र है, एंड गूगल न्यूज़, गूगल सर्च, गूगल शॉपिंग अगर आप करते हैं, आपने कभी की है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं किया है तो कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट आता है आप कनेक्ट और कम्युनिकेट कैसे करते हैं, वो आपको यहाँ पर बताना है। जीमेल से मेल्स वगैरह किया जाता है, गूगल मीट से आप मीटिंग ले सकते हैं, ट्रांसलेटर का भी यूज़ किया होगा आपने, यूट्यूब एंड किड्स वगैरह के अगर आप चैनल देखते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि कौन सी सर्विस आप यूज़ करते हैं ट्रैवल के लिए। तो मैंने मैप यूज़ किया है, एंड्रॉयड ऑटो किया है, एंड यहाँ पर ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं चीज़ों को, मैं कैलेंडर का यूज़ करता हूँ, गूगल फ़ोटोज़ ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज हो जाती हैं टाइम के साथ, और डॉक्स, ड्राइव, फॉर्म, ये सब कॉमन है, इनको आप सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आता है हार्डवेयर में, हार्डवेयर में आप देख सकते हैं
यहाँ पर क्रोमकास्ट है, क्रोमबुक है, तो जो भी हार्डवेयर आपने गूगल प्रोडक्ट का यूज़ किया है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपने नहीं किया है तो ज़रूरत नहीं है सभी सेलेक्ट करने की, कोई सा एक सेलेक्ट कर लीजिए जैसे मैंने किया है। नेक्स्ट, गूगल प्ले स्टोर सभी ने यूज़ किया होगा ऐप डाउनलोड करने के लिए, और इसको आप कर देंगे नेक्स्ट। यहाँ देखिए आपको 100% प्रोफाइल कंप्लीट करनी है ताकि गूगल की जो भी प्रोडक्ट और सर्विस है उससे रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। यहाँ पर देखिए एनालिटिक्स मैंने यूज़ किया है, मैं ब्लॉगर हूँ, ब्लॉगिंग करता हूँ, तो वो भी मैंने यहाँ पर लिखा है ब्लॉगर। गूगल एड्स मैंने यूज़ नहीं किया है बट फ्यूचर में करूँगा, आप भी यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपने कुछ यूज़ किया है। नेक्स्ट आता है कौन से टाइप का कंप्यूटर आप यूज़ करते हैं, यहाँ पर डेस्कटॉप है, लैपटॉप है और नोटबुक है, स्मार्टफोन भी है, टेबलेट भी है, जो भी कुछ आप यूज़ करते हैं यहाँ पर दे सकते हैं, क्योंकि जो भी आपको रिसर्च स्टडीज़ मिलेगी उनमें हो सकता है सिर्फ ये चीज़ अवेलेबल हो या फिर स्मार्टफोन से हो या स्पेसिफिक कुछ हो। फ़ोन की बात करें तो मेरे पास एप्पल आईफोन है तो मैंने सेलेक्ट किया। नेक्स्ट, अगर आपके पास जिस भी कंपनी का है आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको नेक्स्ट कर देंगे। फिर आता है कौन सी डिवाइस करेंटली आप ऑन करते हैं, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास अमेजन का इको स्पीकर है तो इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। आपके पास नहीं है तो आप नन ऑफ द अबव कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट, इसके बाद आता है हैव यू एवर परफॉर्म्ड इन पास्ट 2 वीक्स यूजिंग गूगल मैप्स, कौन से टास्क आपने पिछले 2 हफ्ते में किए हैं वो आप यहाँ पर डाल देंगे। मैंने लास्ट 2 वीक्स में ट्रैफिक चेक करने के लिए यूज़ किया था गूगल मैप्स का, स्ट्रीट व्यू किया था, ये सब मैंने सेलेक्ट कर दिया है। आपने भी किया होगा तो आप कर सकते हैं, नहीं किया है तो कोई इशू नहीं है, नन ऑफ द अबव लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है लोकल मैप्स, लोकल गाइड आपने कभी की है, आप अगर जानते हैं तो आप डाल सकते हैं, नहीं किए जैसे मैंने, मेरे को नहीं पता ये सब क्या है तो मैंने आई एम नॉट श्योर डाल दिया। और आगे बढ़ते हैं, कौन सा व्हीकल आप फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, ड्राइव करते हैं, तो मेरे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल मैं सेलेक्ट करूँगा। आपके पास जो भी है गैस पावर्ड कार है तो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, बैटरी हाइब्रिड है तो वो भी कर सकते हैं, या फिर नेचुरल गैस का कोई व्हीकल है CNG का तो वो कर सकते हैं। मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल सेलेक्ट किया। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं आप टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं पर्सनल असिस्टेंट के लिए, तो मैं गूगल असिस्टेंट यूज़ करता हूँ और अलेक्सा का भी यूज़ करता हूँ अपने रूम में, हम घर पर और जहाँ पर भी मैं रहता हूँ अलेक्सा है मेरे पास। एंड इसके बाद गूगल असिस्टेंट हाउस होल्ड में स्मार्ट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं आपके पास वो आप बता सकते हैं। ये नहीं है तो कोई इशू नहीं है, ये स्पेसिफिक नहीं है, तो यहाँ से देखिए जैसे ही मैं सबमिट करेंगे आपको ये थैंक यू का नोट आएगा एंड जो भी रिसर्च अपॉर्चुनिटी होगी वो आपको ईमेल पर आ जाएगी और एक ईमेल कंफर्मेशन आ चुका होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।